सीरियस? तो मेरे घर तक पहुंच गए? हाउ कैन यू डू दिस? डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसे बिना इन्फॉर्म किए आपके घर नहीं आना चाहिए था। जेंटलमैन, इन द फर्स्ट प्लेस ऐसा कोई काम कीजिए ही मत जिसकी वजह से आपको सॉरी होना पड़े। प्लीज यू कैन लीव, दैट्स इट। डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड, आप जो कह रहे हैं ठीक है, बट काम बहुत जरूरी था इसलिए मैं ऐसे आया। आपको मुझसे कोई भी काम है हॉस्पिटल में, घर इज नॉट द राइट प्लेस। ओके, मैं हॉस्पिटल गया था डॉक्टर, मुझे आपका एड्रेस वहां से ही मिला। पीछा कर रहे हैं आप मेरा? नहीं, ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल गया था ताकि मुझे अनु की कोई चीजें, कुछ उसकी निशानियां, कुछ भी मिल जाए ताकि मैं अपने घर वालों को दिखा सकूं। बट उनके पास कोई डिटेल्स ही नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो आपसे मिल सकता हूँ। क्या लग रहा है आपको, झूठ बोल रहा हूँ मैं? डॉक्टर, मेरा दिल तो यही उम्मीद कर रहा है कि आपने जो कुछ भी कहा वो झूठ निकले, और ऐसी झूठी उम्मीद पर मैं और मेरी फैमिली पिछले एक साल से जी रहे। कोई भी काम हम पूरी तरह से नहीं कर पाते, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज चाहता हूं जिससे कंफर्म हो जाए कि अनु मर चुकी है, तो शायद हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। वो निशानी चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट ही क्यों ना। और हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अनु के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो वो सिर्फ आपसे ही मिलेगी। प्लीज, सही कहा था हॉस्पिटल वालों ने। आइए, कम। थैंक यू सो मच, आपने अनु के सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखे। नहीं भाई साहब, आई मेक इट अ पॉइंट, मेरे पेशेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं एकदम सेफ रखता हूँ। वैसे आप यहाँ जंगल में अकेले इस घर में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? भाई साहब, मैं जैसा हूं ना, लोगों को मुझसे डरना चाहिए। वैसे मैं अकेला नहीं, माँ माँ और मैं साथ में रहते हैं। जा जाए, बैठ जाइए आप, मैं फाइल लेकर आता हूं। फाइल जिसमें आपकी पत्नी के डेथ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल एडमिशन सर्टिफिकेट और सारी डिटेल्स हैं। आई एम सो सॉरी, मैं तो आपसे पानी तक पूछना भूल गया। आई जस्ट गेट यू ग्लास ऑफ वाटर। नहीं नहीं, प्लीज सर, प्लीज। बाहर से आवाज आ रही थी, तो कौन है? कमाल है, कमाल है। उसने यहाँ अपने कदम रखे इस जंगल में, और यहाँ आपके दिल में घंटियां बजने लगी। जंगल में मंगल अमंगल कौन कौन है? आपके एक्स हस्बैंड आए हैं, एक्स हस्बैंड आए हैं आपके। चिल्लाने की कोशिश मत करना। आपका डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए आए वो, ताकि वो सब कुछ भूल जाए। इस काम में तो मैं उनकी मदद करूंगा ही करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको सब भूल जाए, आप सबको भूल जाए, और सिर्फ मैं आपका रहूं। अगर कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की जिससे उसे पता चले कि तुम यहां हो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चीखी, चिल्लाई, कुछ गिराया, ऐसा कुछ भी किया, एक सेकंड में वो, एक सेकंड में तुम, डाइसेक्शन कर दूंगा दोनों का। मेरा हाथ दिखा रहा आपको, कितना सुंदर हाथ है।
कि आप मर गई क्यों कर दूर दो सेकंड लगेंगे मुझे तुम खत्म वो खत्म शायद ये भूल गए होंगे कि अनु इस घर की बहू है लेकिन मैं नहीं भूला कि ये मेरी बीवी है सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाई हमने तुम बस एक बात याद रखो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे ऐसा करने की कोशिश की जिससे उसे पता चले कि तुम यहां हो एक सेकंड ही लगे मुझे एक सेकंड में वो एक सेकंड में तुम यस सर लीजिए पानी पीजिए शोपीस गिरते हुए देखा मैंने इधर उधर देखा पर कोई भी नहीं था शहर से दूर रहता है ना हम प्रकृति का प्रकोप है यहां हवाएं चलती हैं हवा से गिर गया होगा मुझे लगा जैसे कोई पीजिए पीजिए पानी पीजिए डेड बॉडी पर मिली थी अनु की राजा कैसे बताएं आपको कि हम जिंदा हैं कैसे बताएं कि हम आपके आसपास हैं कैसे बताएं कि हमें भी अपने साथ ले चलिए कैसे बताएं सो मच मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ कहां से शुरू करूं और कहां खत्म लेकिन इस डेथ सर्टिफिकेट को देख के श्योरिटी हो गई है कि अनु मर चुकी थैंक यू अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा डोंट प्लीज डोंट थैंक मी ऐसा वाकया है मेरा अफसोस जताना अपने परिवार वालों के सामने प्लीज जरूर थैंक यू गॉड ब्लेस यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल टेक केयर ऑफ अनु जिंदगी में अब तक का चैप्टर अब तक के पहले का चैप्टर खत्म पता है मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरी लव स्टोरी में कहीं कोई विलन ना आ जाए ब्रेक ना लग जाए मजे की बात यह है कि विलन आया उसने ब्रेक लगाई थी लेकिन निकल गया और अब रह गए सिर्फ आप मैं
यही चाहते हैं ना आप? पर कमाल है, हमारे मिलन का श्रेय आपको भी जाता है इक्वली, जस्ट एज मच एज मी। अगर चाहती तो आप चिल्ला सकती थी, लेकिन आपने नहीं चिल्लाया। जो लोग प्यार करते हैं वो चिल्लाते नहीं, तैयारी करते हैं शादी। आप भी करो तैयारी, आप खुश हो ना यहाँ पे? जी बहुत खुश है। I'm also happy। सारी खुशखबरी जाकर मैं अपनी नंबर वन एंजल को बता देता हूँ, माँ को। से भागने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसको इतना मारा। ये एयरफोर्स वाले भी ना पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग देते हैं, इतना पिटने के बाद भी कोशिश खत्म नहीं करते। आपको क्या लगता है, क्या ये फिर से भागने की कोशिश करेगा? करेगा, लेकिन तुम्हें पता है ना, अगर ये ऐसा कुछ करे तो तुम्हें क्या करना है? बॉस, जिस बात का आप पता करने गए थे उसका कोई सुराग मिला? हाँ, इसकी पत्नी उस दिन ऊंचाई से गिरकर मरी नहीं थी, वो भी इसकी तरह एक सख्त जान निकली। कुछ और दिन हॉस्पिटल में पड़े रहकर उसने अपनी आखिरी सांसें गिरी और फिर जाकर मरी। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था उसी ने मुझे सब कुछ बताया। 2 दिन के लिए तो मैं परेशान हो गया था कि कहीं हमारा मिशन खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो वापस आ जाती तो मेरा रजत बन के रहना मुश्किल हो जाता। मुझे लगा था अपने मिशन को कामयाब करने के लिए एक और जान लेनी पड़ेगी, लेकिन मेहरबानी है, जो काम मुझे करना पड़ता वो पहले ही हो गया था। आप टेंशन मत लो बॉस, मैं सब देख लूंगा। जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं इसे हिलने तक नहीं दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं हुआ तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। एक बार डिफेंस की इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लग जाए फिर ये रजत भी हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, इसे भी मौत के घाट उतार देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ कहां से शुरू करूं और कहां खत्म, लेकिन इस डेथ सर्टिफिकेट को देख के श्योरिटी हो गई है कि अनु मर चुकी। कहीं हम स्वार्थी तो नहीं हो रहे इस बात से परेशान होके कि हमारे मरने की खबर सुनते रजब दुखी नहीं हुआ, शांत हो गए? नहीं, हम गलत सोच रहे हैं। पर वो शादी की रिंग उन्होंने एक बार देखा तक नहीं, सीधा जेब में रख लिया। हमें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है, रजत ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा कैसे कर सकते? हमें क्या तब भी गलत फहमी हुई थी जब उन्होंने हमारा हाथ
छोड़ दिया था। भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा या नहीं, क्या ये सब सवालों का कोई मतलब भी है? रजत ने फोन पे कुछ बताया ही नहीं, कह रहा था कोई जरूरी बात बतानी है लेकिन आके बताता हूँ। ऐसी कौन सी जरूरी बात बताना चाहता है वो? हो सकता है कि अनु वाकई में जिंदा है। माता रानी करे ऐसे ही हो, अगर ऐसा हुआ उसके आने की खुशी में मैं इससे कहीं ज्यादा इसे सजा दूंगी, इससे भी कहीं ज्यादा। और देवयानी का क्या होगा? ये जो सजावट की गई है उसके स्वागत के लिए उतर जाएगा ये सब खुशी के साथ। हम सबके सामने ये बहुत बड़ी दुविधा का विषय है। बेचारी देवयानी कहीं मजाक का विषय न बन के रह जाए। एक तरफ जहां अनु के आने की आस से खुश होने का मन कर रहा है तो दूसरी तरफ देवयानी के बारे में चिंता भी हो रही है। अपने आगे आने वाली जिंदगी के बारे में क्या क्या सपने देख लिए होंगे। देवयानी ने अपने जिंदगी में कई और सपने भी देख रखे। हम ये शादी नहीं करना चाहते। और हमने बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला लिया। देवयानी तो पेपर नहीं है, दीदी हम देख तो लेते हैं ना एक बार कि क्या हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी होगी, अगर ऐसा हुआ तो शादी नहीं होगी। हम ऐसी शादी नहीं कर सकते दीदी, हमें तो क्या ऐसी शादी किसी को नहीं करनी चाहिए। शादी केवल तब होनी चाहिए जब हमें एक बात अच्छी तरीके से पता कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये शादी होनी है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है ना दीदी। वो बात और है दीदी कि रजत को अनुष्का के दुख से उभरने के लिए हमने हेल्प की और हम जिंदगी भर करते रहे, और आज इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें आप सबकी हेल्प की जरूरत होगी। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ऐसे सिचुएशन में आके हम ये शादी कर ले। अगर हमने ये शादी कर ली ना दीदी तो ना तो हम खुश रह पाएंगे और ना ही रजत और अनुष्का। इसीलिए हम ये शादी नहीं कर सकते। देवयानी सही कह रही है। को सही करने के लिए मैं अलीगढ़ गया था। अनु के जिंदा होते हुए अगर ये शादी हो जाती तो अनु के साथ तो ये नाइंसाफी होती है, लेकिन देवयानी के साथ भी होती। ना अनु मेरे लिए कोई फर्स्ट ऑप्शन है और ना ही देवयानी मेरे लिए सेकंड ऑप्शन। इन दोनों की मेरे दिल में अलग अलग जगह है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम मेरी लाइफ का फ्यूचर हो, उम्मीद से भरा, आगे बढ़ने की हिम्मत वाला। और अनु वो मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत पास्ट है, वो पास्ट जो कभी वापस नहीं आएगा। क्या अनु अब इस दुनिया में नहीं है? हमारे दिल में जितने भी सवाल थे जिनकी वजह से ये उम्मीदें बंधी हुई थी, उन सारे सवालों का जवाब ये है कि डेथ सर्टिफिकेट
बाद कोई भी सवाल बाकी नहीं रह जाता सिवाय एक के, और इस सवाल का जवाब सिर्फ दिव्यानी के पास। क्या तुम मुझसे शादी करो?